की बदहाली का कारण है, उस बदहाली को कैसे बदला जाए वो अपने अपने स्तर से है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आपकी जो जनस्वराज है इनका अच्छा प्रदर्शन बिहार भर में रहेगा। प्रशांत किशोर जी सोचे कि जिनका साथ दिए वो अभी साथ नहीं दे रहे, तो बिहार को बदलने के लिए खुद अपना संगठन बना रहे हैं, अपना व्यवस्था को गठन करवा रहे हैं। जंगल राज का दृश्य है अभी बिहार में। प्रशासन आप अजमाए हैं नीतीश कुमार की शराबबंदी, और जब प्रशांत किशोर जी आएंगे जनसुराज की व्यवस्था आएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि एक घंटे में कैसे बंद होता है शराब। नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ, क्या बात है झुका। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश्वर पासवान। देखिए इस वक्त हमारे साथ सुपौल जनसुराज के तेज तर्रार महिला नेत्री मीनू कुशवाहा जी जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो मैम सबसे पहले हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। मैं मीनू कुशवाहा। तो चलिए पहला सवाल तो ये करना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर को जनसुराज जो एक अभियान है वो एक पार्टी बन जाएगी, राजनीतिक दल बन जाएगी, तो इस चीज को लेकर के बिहार भर में क्या कुछ तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? हम लोग तैयारियां कर रहे हैं सभी जिला अध्यक्ष के आदेशानुसार। हम लोग अपने अपने ब्लॉक से अपने अपने प्रखंड से सभी लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा कर के मिलते हैं और उन्हें जन सुराज के बारे में बतलाते हैं, प्रशांत किशोर जी के व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक बतला रहे हैं कि प्रशांत जी व्यवस्था को परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कि क्या वो अभी के जो दल बने हुए हैं हमारे बिहार में उनसे संतुष्ट हैं, और अगर नहीं संतुष्ट हैं तो आप प्रशांत किशोर जी के व्यवस्था को समझने के लिए पटना चले। 2 तारीख को उनका अधिवेशन होने वाला है, अपने पार्टी का गठन होने वाला है, राजनीति दल में परिवर्तित होने वाला है। जो प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा शुरू किए हैं अपने बिहार में, उनके लिए बहुत ही प्रशंसनीय बात है जो एक बिहार का बेटा जो प्रशांत किशोर बिहारी के लिए आगे बढ़ने के लिए, बिहारी के जो भी दिक्कतें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी गरीबी का कारण है, जो उनकी बदहाली का कारण है, उस बदहाली को कैसे बदला जाए वो अपने अपने स्तर से अपने सोच से अपने सुविवेक से उनको बदलना चाहते हैं और हमारे बिहारी के लिए वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमें चाहिए कि उनका स्वागत करें और उनका साथ दें। प्रशांत किशोर जी अपने सभी संबोधन में बोलते हैं बिहार और बिहारियों को लेकर के बोलते हैं, पलायन और बेरोजगारी की बात करते हैं, तो आखिर जनसुराज बेरोजगारी और पलायन को रोकने के लिए क्या कुछ मतलब मुहिम चला रहे हैं? मुहिम उनका ये कहना है क्या कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जब शिक्षा आएगी, और शिक्षा आएगी और रोजगारी आएगी। जब बिहार में हमारे मुखिया, घर के जो मुखिया होते हैं, हमारे घर के सदस्य मुखिया में मेरे पिता होते हैं, बड़े भाई होते हैं, वो जब अपने घर में रहेंगे तभी तो अपने घर की व्यवस्था को बदलेंगे, और घर की व्यवस्था बदलेगी तो समाज की भी बदलेगी, समाज की बदलेगी तो हमारे राज्य की बदलेगी। तो घर में रहने के लिए हमारे यहाँ रोजगार की ज़रूरत है। अगर हमारे बिहार में ही उतना रोजगार मिल जाए जो कि सभी लोग अपने घर से रहते हुए रोजगारी करें और शाम को घर आए। प्रशांत किशोर जी बिहार में शराबबंदी जो है पूर्ण रूप से खत्म करने की बात कर रहे हैं, इससे क्या कुछ फायदा होगा? फायदा ये होगा कि देखिए हमारे गांधी जी जब संविधान बनाए थे तो उस टाइम ये बनाए थे कि शराबबंदी नहीं, नशा को बंद करना नहीं, नशा मुक्त करने के लिए समाज बनाया गया था कि हमारे समाज में नशा अगर मुक्त तो हर एक आदमी हो जाए, हर एक जनता हो जाए, तो फिर नशा बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसी संविधान को, इसी गांधी जी के सोच को प्रशांत किशोर जी अपने बिहार के व्यवस्था में लाना चाहते हैं। इस बार होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में आपकी जनसुराज जो है बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि बिहार में चुनाव के समय लोग जातियों में बंट जाते हैं, कि जाति का जो बंधन है, जो टैग है, उसको कैसे तोड़ने में आप लोग कामयाब हो पाइएगा? आखिर जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उनके पास क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला है? फॉर्मूला उनके पास देखिए, प्रशांत किशोर जी सभी पार्टियों में काम किए हैं, ये सभी को पता है, और प्रशांत किशोर जी जब सभी पार्टियों में काम किए हैं तो उनको सभी
कौम के जो सभी जातियों के लोगों का जो मन है, जो उनका व्यवस्था है, जो वो चाहते हैं उनको पता है, तो वो जानते हैं कि किस पार्टी के लोग को, किस जाति के लोग को किस तरह से उनको समझाया जाएगा, उनके दिमाग में ये चीज़ डाला जाएगा कि ये व्यवस्था क्या है। प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज की व्यवस्था ला रहे हैं तो वो क्या चीज़ है, उनको सभी जातियों से वो मिले हुए हैं ये तो सभी लोग जानते हैं। और सभी लोग ये भी बोलते हैं प्रशांत किशोर जी सभी जात सभी राजनीति दल में काम किए हैं, सभी को जिताने में मदद किए हैं, तो फिर उनको तो ये भी पता होगा। अच्छा, बिहार में दिन प्रतिदिन जिस तरह से देख रहे हैं कि लाखों लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर को चाह रहे हैं, तो क्या लगता है उनके साथ जो लाखों का भीड़ जो देखा जा रहा है, ये भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाएगा 25 मिनट? बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि अभी हम इतने कम समय में जुड़े हैं प्रशांत किशोर जी से और देखे हैं जनता के बीच जाके। अभी तक हमको लगता है कि कम से कम 500 लोगों से हम 10 दिन में मिले हैं, उससे ज़्यादा ही, और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि ये नहीं बोल रहा है कि प्रशांत किशोर नहीं है अच्छा, वो अच्छा व्यवस्था नहीं लगा। मीनू कुशवाहा को क्या कुछ अच्छा लगा जो प्रशांत किशोर की जनसुराज के दामन को थमा? देखिए, मीनू कुशवाहा को ये अच्छा लगा कि कोई भी राजनीति दल पहले जो आ रही थी वो सबसे पहले तो उनकी जो योग्यता है उनको नहीं देखा जा रहा था कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अच्छे सोच के लोग हैं, समाज में क्या उनका पकड़ है। और प्रशांत किशोर जी सबसे पहला उनका एम है कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका एजुकेशन है उनको लिया जाए, और उसके बाद जो इनका बैक राजनीति कोई भी बैक व्यवस्था नहीं है, पहले से वो नहीं जुड़े हैं उनको लिया जाए। तो इसी कारण से हमको मुझे लगा कि प्रशांत किशोर जी ही हैं ऐसे जो कि हमारे बिहार को बदल सकते हैं। एक वो फरिश्ते के रूप में आए हैं शायद, जो हमारे बिहार को बदलने में 110% कारगर होंगे। बिहार के अधिकांश लोग जो राजनीति का नाम सुन के ही घृणा करते थे, ये राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, वे लोग भी अब देख रहे हैं कि जनसुराज में जुड़ रहे हैं। अगर हम आपकी बात करें तो क्या मीनू कुशवाहा जी जो राजनीति में आई हैं, जनसुराज में जो शामिल हुई है, अगर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बिहार में नहीं आए हुए थे, क्या आप राजनीति में आते? नहीं, बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि राजनीति में आने के लिए जो प्रशांत किशोर जी का जो व्यवस्था बना है, तो कोई भी पढ़ा लिखा लोग जो सही सोच के लोग हैं, सही सोच और सही लोग और सामूहिक प्रयास में प्रशांत किशोर जी का नारा है, तो उसमें सही लोग। अच्छा, एक चीज़ जानकारी मिला मैम आपके बारे में, कुछ लोगों से हम लोगों को जो जानकारी मिला है कि मीनू कुशवाहा जी इससे पूर्व में भी लगातार सामाजिक सेवा में लगे हुए थे। आपके मन में ऐसा है, चूँकि आप सुपौल से आते हैं, कोसी इलाका है, कोसी विस्थापित इलाका है, यहाँ कई समस्या है, उसको देख कर आप लगातार चिंतित रहती हैं, तो इस कारण से आप राजनीति में आई हैं, तो लग रहा है कि जिस तरह से महिला को भी भागीदारी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी दे रहे हैं, तो क्या मीनू कुशवाहा जी चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में परिवर्तन के लिए जनसुराज के कारवां को आगे बढ़ाएं या यहां तक कि चुनाव भी लड़ें? देखिए, प्रशांत किशोर जी का इंटरव्यू हम देखे हैं और 2022 से जो इंटरव्यू दिए हैं, पद यात्रा शुरू करने से पहले से उनका इंटरव्यू जो भी है, अधिकांश इंटरव्यू हम देख चुके हैं, तो उसमें और उनका ये संविधान में भी होगा, 2 अक्टूबर को पता चलेगा कि पूरे बिहार से 40 सीट से वो महिलाओं को जो है लाएंगे, तो इसके लिए। और जहाँ तक कोसी बेल्ट की बात है तो इसमें महिलाओं का कम योगदान रहा है राजनीति में, और अब जब हम आ ही गए हैं अपने महिला क्षेत्र कोसी क्षेत्र में महिलाओं से, तो हम पूरा का पूरा योगदान करना चाहेंगे अगर प्रशांत किशोर जी मुझे देंगे मौका। कि और प्रशांत किशोर जी को देखने के बाद लगता है क्या कि एक मसीहा आया है और वो गरीबों का कल्याण करने के लिए एक मसीहा है जो सबका दुख हर दिल ले जाएगा। अच्छा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, तो लगता है कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में अच्छा कार्य हो रहा है? क्योंकि देखिए, अभी के सरकार में क्या हो रहा है वो कलकत्ता में भी पता अभी चल रहा है, सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे, बिहार में किस तरह का दृश्य आपको दिख रहा है? जंगल राज का दृश्य है अभी बिहार में। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन एक तरफ तो शराबबंदी की है, शराबबंदी नहीं की है, शराब पहले दुकान में मिलती थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब मकान में मिलना शुरू हो गया है, तो मकान में जब शराब मिलेगी तो कितने मकान में जाके ढूंढा जाए। तो इसके लिए प्रशासन एक तो सबसे पहले शराबबंदी की है अपना, ये सरकार की है, अभी के जो सरकार राज हैं
और वो करके उस पर प्रशासन उसका फायदा उठाता है। जहाँ से शराब का चल रहा है ब्यौरा वहाँ नहीं पकड़ रहे हैं, और जो घर घर में महिलाओं को पकड़ के जान ले जा रहे हैं थाना पे, 10,000 रुपया ले रहे हैं और 5,000 आप खुद रख रहे हैं, 5,000 सरकार। आप अजमाए हैं नीतीश कुमार की शराबबंदी, और जब प्रशांत किशोर जी आएंगे, जन स्वराज की व्यवस्था आएगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि एक घंटे में कैसे बंद होता है शराबबंदी। बिहार में जो लगातार लोगों का जो हुजूम जन स्वराज के साथ देखा जा रहा है, बहुत सारे युवा भी इनसे जुड़ रहे हैं, कई राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ तक कि जन स्वराज में शामिल हो गए, और आप जैसे तेज तरार जो महिला है, जो पढ़ी लिखी है, जो राजनीति को पसंद नहीं करते थे, वे लोग भी जन स्वराज में जुड़ रहे हैं, तो क्या लगता है, उम्मीद है कि आने वाले समय में इस बिहार का प्रतिनिधित्व जो है प्रशांत किशोर जी करेंगे? देखिए, पसंद नहीं करते थे, सही बात है, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि वो राजनीति दल के जो नेता हैं वो सब करें, मतलब स्वतंत्र राजनीति आप करना चाह रहे हैं। हाँ, जिसके लिए आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा जब उनको, हाँ उन लग रहा था कि वो लोग का काम है, जो राजनीति दल में उनका काम है कि वो सब उनके काम है, और हम लोग डॉक्टर पेशा से हैं, डॉक्टर का काम है, हम सोचते थे कि चलो समाज में डॉक्टर के माध्यम से हम सेवा करें, लेकिन देखते देखते जो है अच्छा बर्दाश्त करते गए, लेकिन जब जनसुराज आई, प्रशांत किशोर जी की व्यवस्था आई, तो लगा नहीं अब हम लोगों को भी इसमें भागीदारी होना चाहिए, प्रशांत किशोर को हम लोगों की भी जरूरत है, तभी प्रशांत किशोर जी बिहार की व्यवस्था बदल। फिलहाल सुपौल में जनसुराज साहब को क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है? फिलहाल जिम्मेदारी अभी 2 अक्टूबर की तैयारी के लिए दिया गया है कि अधिवेशन होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भागीदारी करवाइए, लोगों से मिलिए, लोगों को समझाइए, और सबको जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बतलाइए, और उनको आग्रह कीजिए कि वो पहुँचने के बाद आप किसी दल को, किसी नेता को या किसी भी आदमी को आप टाइम देंगे उनको समझने का, उनको सुनेंगे, तभी उनकी व्यवस्था के बारे में समझ पाए। देखिए, ये मीनू कुशवाहा जी हैं, सुपौल जनसुराज से हैं, और इन्होंने प्रशांत किशोर जी के विचार को देखते हुए, उनके विचारधारा से प्रभावित होकर के प्रशांत किशोर जी के साथ आ गए हैं, जनस्वराज में जुड़ गए हैं, इनकी खूब चर्चे जिले भर में है। हालांकि 2 अक्टूबर को जो जनस्वराज एक संगठन, एक अभियान है, वो एक राजनीतिक दल बनने जा रहा है, उसकी तैयारी पूरे बिहार भर में किया जा रहा है, तमाम विषयों पर हमने उनसे बातचीत किया। एक चीज और आपको बता दें कि मीनू कुशवाहा जी महिला के ऊपर एक सुंदर सा कविता तैयार किया है, क्या लिखे हैं, थोड़ा सुनाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ, क्या बात है, झुका नहीं सके कोई वो प्रचंड आसमान हूँ, असमत मेरी पे जो सताकता उसके लिए काल हूँ, कायनात भी की मैं जननी, सृष्टि की पहचान हूँ, जला नहीं सके मुझे धनकते अंगार भी, गर समझो तो आसमां बहुत वरना मैं चट्टान हूँ, झांसी भी अविनाशी भी मैं सीता सी महान हूँ, नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ, फूल भी हूँ सूल भी मैं, फूलों की आनबान हूँ, लक्ष्मी और शक्ति भी मैं, शिव का गुमान हूँ, गौर से तू देख तो कन कन में विराजमान हूँ, अंत भी मैं अनंत भी मैं, वेद और पुराण हूँ, अर्पण भी हूँ समर्पण भी मैं, ममता की मैं बखान हूँ, यामिनी हूँ दामिनी मैं, ब्रह्मांड का मैं शान हूँ, नारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ। देखिए बाबा, कितनी अच्छी आपने कविता लिख डाली, ये खुद से आपने तैयार किया? ये मैंने बैठ के तैयार किया है, और जब प्रशांत किशोर जी बोले हैं तू नारी तू शक्ति, तो मैंने सोचा कि जब प्रशांत जी हम लोगों को शक्ति बना दिए हैं, तो मैं उनकी धर्म पत्नी के लिए भी तो कुछ जो है संदेश लिखूं अपने बिहार की महिलाओं की तरफ। ऐसा कहा भी जाता है कि महिला जो है ये शक्ति स्वरूपा है, इनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलता है, साहस मिलता है, तो महिला की जिस तरह से सरकार के द्वारा भी बात किया जाता है कि महिला सशक्तिकरण की बात हो, महिला को किस तरह से सुरक्षा मिले, महिलाओं को किस तरह से राजनीति और सामाजिक कार्यों में इनका जगह दिया जाए, उन तमाम क्षेत्रों में कई दलों के द्वारा, सरकारों के द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन ये कितना धरातल पर सही उतर पाया है, इस चीज़ को समझ पाना आप लोगों की बस की बात है। आप ही बताइए, जिस तरह से महिला लगातार राजनीति में जुड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में महिलाओं को जो अधिकार संविधान देता है, जो समाज देता है, वो निश्चित रूप से मिल पाएगा? अंत में मीनू कुशवाहा जी, आपसे हम कहना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, 2 अक्टूबर का आप लोग पटना जा रहे हैं, जन स्वराज जो राजनीतिक दल बनेगा उनकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन 25 मन वाले चुनाव में कहीं इस
बात को लेकर के आप जन स्वराज में तो नहीं जुड़े हैं कि निर्मली विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? ऐसा कोई अभी मन ग्रंथ मन में नहीं सोचा है, बस हमको काम करना है, प्रशांत किशोर जी के साथ चलना है। सिर्फ निर्मली विधानसभा के लिए मैं नहीं जुड़ी, मैं बिहार की व्यवस्था के लिए जुड़ी। देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, उन लोगों को खास करके जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रशांत किशोर जी से आग्रह करूंगी कि हम लोगों को जो भी जिस जिले से जो जुड़े हुए हैं और उन सभी कार्यकर्ताओं को आप हमेशा इस तरह से हम लोगों को हिम्मत दें कि मैं आपके तरह, प्रशांत किशोर जी आपके तरह अपनी हिम्मत को बुलंद कर सकूं और बिहार की व्यवस्था को बदलने में कारगर हो जाऊं। तो चलिए, आप लोग भी मीनू कुशवाहा की बातचीत से कितना सहमत हैं, जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी को लेकर जो कुछ भी कहा है उसको लेकर आप लोग क्या कुछ राय देना चाहते हैं? अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।